सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ, तो आप बने वीडियो में। दो टमाटर ले लिए, वजन में 250 ग्राम है, तो दो टमाटर ले लिए। दो चम्मच बेसन ले लिया, तो जो मैंने ले लिया, अब इसको टमाटर के लिए अब काटेंगे। चलो काटते हैं। तो टमाटर मैंने काट के ले लिए, तो जे तक काट ली मैंने। अब रखूंगी कढ़ाई, गैस को करते चालू। ये गैस चालू कर दिया, अब इस पर रखेंगे कढ़ाइया। तो दोस्तों मैंने मिर्ची डाल के, जीरा और जो हरी मिर्ची डाली पीस के, और टमाटर डाल दिए, तो इनको अच्छे से पकाऊंगी मैं। और साथ में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी धनिया, और नमक तो मैंने डाल दिया पहले, थोड़ा कम डाल रही हूँ, तो ये डाल देती हूँ। अच्छे से अब इसको पकाना है, बहुत अच्छे से गलाना है साफ पूरे। तो इसको गलाते हैं, चलाते रहेंगे, पकने लगे। गैस को करेंगे तेज, तो टमाटर वैसे भी जल्दी गल जाते हैं, नमक मसाले पड़ जाते हैं, तो नमक पड़ता तो और जल्दी गल जाते हैं। तो ये डालते हैं बेसन इसी में, अब इसको अच्छे से चलाते हैं उसमें, फिर भी और पकाएंगे अभी एक मिनट तक, तो टमाटर पक जाए बहुत अच्छे से और सब। तो बहुत अच्छे से पक गई जो बेसन और टमाटर सब मिक्स। तो इसको अब गैस को करेंगे बंद और इसको ठंडा करेंगे। गैस बंद कर दिया, अब एक थाली लेंगे इसी में डाल देंगे, तो जो ठंडा होएगा ये ले लिया। अब इसी में ठंडा होने देते एक मिनट तक, इसको एक साइड में करते जब तक आटा लगा लेते, ऐसे जो ठंडी हो गई। इधर मैंने आटा लगा लिया, तो अब आटे के पेड़े बनाऊंगी गोल गोल। तो इसको रखते इस साइड में, आया मिश्रण, जो मिश्रण बना के रखा था वो इसी में ऐसे भर देंगे, और भर के और ऐसे धीरे धीरे घुमाते हुए इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये बन गया अच्छे से गोल सपेड़ा, इसी में मसाला भर दिया। अब इसको बेलते हैं, तो इसको बेलेंगे अच्छे से, थोड़ा सा चपटा कर लेंगे ऐसे गोल गोल घुमा के इस तरीके से। तो ये बिल गया, अब इधर गैस चालू कर देंगे, तो रखेंगे तवा। तो जो तवा गर्म हो रहा है, अब तक और अच्छे से बेलेंगे। थोड़ा पतला करना है, जितना पतला कर सकते हो जाएगा जे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोटा सामान नहीं है, बिल्कुल पतला पतला मसाला भरा उसके अंदर, तो इसलिए। और पराठे तो पतले ही थोड़े अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा टिप। ये देखिए आप इस तरीके से अच्छे से बेलिए आराम से गोल गोल दूसरे पेड़ा में। तो ये ऐसे कटोरी का शेप दे दिया गोल गोल मैंने, तो ऐसे करके इसमें ऐसे भर दिया मिश्रण अंदर। ये बन गया, ये देखिए इसमें अंदर जो भरा गया मसाला। अब तवा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे ये पराठा। तो आप इस तरीके से आप जरूर बनाइए एक बार। इसको पलटेंगे, ये हो गया। अब इस पे लगाएंगे तेल, तो डालते हैं तेल। तो इधर से फिर ऐसे पलट देंगे, फिर डालते हैं ऊपर तेल। देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है। ये देखिए फूला फूला पराठा हमारा बनके बेसन वाला तैयार है। तो इसी
तरीके से अब दूसरा डाल देंगे, एक निकाल लिया ए, तो इसको दूसरा डाल देंगे फिर। तो बन गए पराठे, एक लास्ट वाला रहा है, तो एक लास्ट रहा है, अब इसको बहुत अच्छे से सिक रहा है। मैंने बना के रख लिए और आप जरूर से ऐसे बनाइए, देखिए मैंने सारे बना लिए और आप भी आइए खाइए। तो बन गए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।